नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो हम आज बातें करेंगे रोडीज के कंटेस्टेंट की अभिषेक दुबे के बारे में। अभिषेक दुबे जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, जो गिटार लेके आया था और जो बैंड में गाना भी गाता था, उसने एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी सुनाया। उसकी बातें करें तो वो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया नहीं, उसने गाना गा दिया, उसने थोड़े बहुत एक्सरसाइज किए बट बहुत बेटर नहीं था। तो उसके लिए जब बेल बजाने की बारी आई तो सिर्फ ये दो लोगों ने ही बेल बजाया, नेहा और रफ्तार, ये दो लोग थे जो उसके लिए बेल बजाए। लेकिन रणविजय ने भी फिर बजा दिया और दो और हो गया, तो यानी कि वो सेलेक्ट हो जाता है। बट मुझे उसमें सिलेक्शन वाली कोई ऐसी बात लगी नहीं कि वो सेलेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे लोग रिजेक्ट होकर चले जाते हैं। आई डोंट नो कि उसने ऐसा क्या किया, क्योंकि वो जब एक्सरसाइज भी कर रहा था तो वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। उसने जो गाने गाए तो आई डोंट थिंक सो, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगा कि वो उसमें वैसी कोई बात है जो रोडीज वाली बात होती है, जो रोडीज में लोग एक्चुअली खोजते हैं, जो रोडीज में सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, सो आई डोंट नो। बट ठीक है, वो सेलेक्ट हो गया, लेट्स सी कि वो कितना आगे तक जाता है। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, हम रोडीज की वीडियो बनाते रहेंगे और आप भी हमारे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।